हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर, फाइंड द 20 टर्म्स, यानी 20 टर्म्स आपको फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। आपके पास गिवन है, यानी लास्ट टर्म आपको बतानी है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लास्ट टर्म से वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए अभी चेंज करके भी बताएंगे कि लास्ट की 20 टर्म किस तरीके से निकालते हैं। तो एपी आपके पास गिवन, जिसमें से आपके पास ए 3, डी आपका 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, और ए एन 253। अभी तक तो वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे सेम वही करेंगे प्रोसेस, लेकिन इसमें जब लास्ट टर्म की बात हो जाती है थोड़ा प्रोसेस नीचे से चेंज हो जाता है। तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले ए एन को बताएंगे, ए एन हमारा है 253। क्लियर? ए एन का फॉर्मूला, क्योंकि सबसे पहले आपको एन निकालना है, जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक हम लास्ट टर्म नहीं बता पाएंगे, तो एन निकालना कंपलसरी। एक ही जगह आपने रखा 3 प्लस एन माइनस 1, डी का आपका 5, 253। आपकी ये डिजिट कुछ चेंज नहीं होगी, अभी सेम एज इट इज ऐसी ही रहेगी। जो प्लस 3 है वो पीछे जाकर के माइनस 3 हो जाएगा, 250, राइट? एन माइनस 1। अब जो माइनस के साथ, एन माइनस 1 के साथ जो 5 मल्टीपल हो रहा था, आप उसे यहां ले जाकर के डिवाइड कर देंगे। आपने इसको कैंसिल किया, 5 5 25, आपने 0 का 0 लिखा, जो माइनस 1 यहां था वो पीछे जाकर के प्लस 1 हो गया। तो एन की कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 51 टर्म्स। आपको पता चल गया कि टोटल तो मेरी 51 टर्म्स, यानी एपी की कितनी टर्म्स है, यहां से चालू हो रही है यहां खत्म हो रही है, तो बीच में ऐसी कितनी टर्म्स है, आपने बता दिया 51 टर्म्स है, ठीक है। लेकिन लास्ट की 20 टर्म्स के उसने आंसर पूछा, तो लास्ट वाले के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे जब लास्ट की बात आती है? लास्ट अगर कहीं भी लिखा हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एन होता है वो कितना आया, 51 आता है। तो हमने 51 लिखा, माइनस करके 20 करा, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में प्लस 1 भी करते हैं, तभी आपको लास्ट टर्म ऐसी कितनी है वो पता चल जाएगा। तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका आंसर आ गया 31, प्लस 1 इज इक्वल टू 32। कितनी टर्म्स हैं, 32, ठीक है। अब 32 टर्म्स का निकालेंगे आप, ए प्लस में 31 डी, ठीक है। ए 32 हमने जब लास्ट टर्म के हिसाब से, मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया कि जितना भी एन आ जाता है, टोटल तो हमारी इतनी एन 51, लास्ट 20 का पूछेगा आंसर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस तो करेंगे लेकिन प्लस एड भी जरूर करेंगे, ये रूल है इसका। तो आपके टर्म पता चल गई कि हमारी 32 टर्म्स का आंसर कितना है, ए प्लस में 31 डी है। ए आपका वही जो आपने अभी यहां 3 लिखा, डी आपका 5 है। आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करने पर आपका आंसर 158। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया 32 टर्म्स का 158 आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से क्लियर हुआ, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ ए एन ए पी इज 24, यानी फोर टर्म्स और एट टर्म का जो सम है वो आपका 24 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट इक्वेशन में वो ये बोलते हैं कि द सम ऑफ सिक्स टर्म और टेन टर्म्स इज 44, सिक्स टर्म और टेन टर्म का जो टोटल है वो 44 है। क्लियर? डन। दोनों क्वेश्चन का बता दिया, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, एपी की जो फर्स्ट 3 टर्म्स होती हैं आप उनका आंसर बताइए, ठीक है। तो हमें वही प्रूव करना है कि एपी में थर्ड टर्म कौन सी होंगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो आप 4 टर्म और 8 टर्म इनको सॉल्व करेंगे, तो जहां आपका लिखा है ए 4 प्लस टर्म 8 इज इक्वल टू 24, यही बात है ना। अब 4 टर्म है तो ए प्लस में 3d, क्योंकि कम कर लेते हैं, ए प्लस में 7d, क्योंकि 8 लिखा था तो 7d कर दिया आपने, और यहां लिख दिया 24।
अब देखिए ए भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 2a। अब दोनों d आपके प्लस में है तो इनको भी प्लस कर दीजिए, 10d इज इक्वल टू 24। ये तो आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही सेम एज इट इज सेकेंड इक्वेशन भी आएगी आपकी, तो जहां आपकी 6 टर्म है 10 टर्म है इज इक्वल टू 44। तो a प्लस में जब 6 लिखा होगा तो क्या होगा 5d, a प्लस में 9d इज इक्वल टू 44। ए दोनों प्लस में, कैंसिल तो हो नहीं सकते तो प्लस ही करेंगे, 2a प्लस 9 और 5 को प्लस कर लेंगे तो 14, क्योंकि ये भी दोनों प्लस में है इज इक्वल टू 44। ये क्वेश्चन कौन सी आ गई आपकी सेकंड, ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट। अब आपको नाउ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपका a और d निकल कर आएगा। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, हमें सब्ट्रैक्ट करना क्या, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो जो आगे लेफ्ट हैंड पार्ट से उसको पहले इसमें से माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड को 2a प्लस 14d माइनस, अगर मैंने इन दोनों के बाहर माइनस लगा दिया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान से करेंगे ये काम सोच के, ठीक है। माइनस होता है ना ब्रैकेट के बाहर तो वो साइन को चेंज कर देता, पहले प्लस लिख लेना फिर माइनस कर देना, मैंने डायरेक्ट किया। अब राइट हैंड साइड 44 माइनस 24, अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस है यही कैंसिल हो गए। अब डी आपका एक प्लस एक माइनस है तो माइनस कर देंगे, 14 में से 10 को माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ गया 4d, साइन ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाएंगे, दोनों को माइनस किया तो माइनस करने पर आपका आंसर कितना आ गया 20, क्लियर। दोनों को आपने माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 20, तो हमने लिख दिया इस तरीके से 20 और यहां आ गया आपका 40। अब देखिए 14d था आपके पास और आपके पास क्या था 10d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, आप इसे से कैंसिल कर देंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब d की वैल्यू 5 आ गई तो आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू डाल देंगे तो आपकी a इक्वेशन निकल आएगी, जब a निकलेगी तभी तो आप ap की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म्स अलग अलग निकाल सकते हैं, एक d से तो काम नहीं चलेगा ना, तो हमें इक्वेशन को पुटिंग करनी पड़ेगी। हम इक्वेशन की पुटिंग करेंगे, पुटिंग वैल्यू किसकी, d इज इक्वल टू 5, हम d की वैल्यू की पुटिंग करेंगे इन इक्वेशन कौन सी फर्स्ट, किसी में भी कर सकते हैं, फिलहाल मैंने फर्स्ट किया, आप सेकंड में भी करके देख सकते हैं सेम आंसर आएगा। हम यहां लिखेंगे, इधर कर देते हैं 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, यही फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज साइन के साथ, जो सेम साइन है सब लिख दिया, 2 लिखेंगे, a लिखेंगे, a की वैल्यू निकालनी है मुझे, d मेरा अभी अभी गिवन कितना हुआ 5, तो हमने यहां 5 लिखा, 24 2a इज इक्वल टू 24, 10 फाइव जा 50, जो प्लस 50 था वो पीछे जाकर माइनस 50 हो गया, आपका आंसर माइनस 26 आ गया दोनों को माइनस करने पर। a 2 आपका मल्टीपल हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, आपकी a की वैल्यू आ गई माइनस 13, a तो पता चल गया कि हमारा ये है, लेकिन ap का निकालना है, तो ap निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, a को ही लिखेंगे, a कितना है माइनस 13। नेक्स्ट फर्स्ट आपका पता चल गया कि a1 कितना है, a2 और a3 भी तो निकालना है, तो उसमें d को आप प्लस कर देंगे, जो भी मेरा पार्ट्स a1 आपको पता चल गया कि माइनस 13 है तो a2 निकालने के लिए क्या करते हैं, उसी में आप d को प्लस कर देंगे, फॉर्मूला तो यही है ना कि जितना भी a आ जाएगा उसमें d को प्लस कर दिया, तो प्लस करने पर आपका आंसर माइनस 8, क्योंकि माइनस का साइन आएगा ग्रेटर देन का, जब थर्ड डिजिट आपको निकालनी है तो आप उसमें भी यही करेंगे, जो भी आपकी टर्म आती रहेगी उसमें आप प्लस 5 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर कितना आ गया 8 में से आपने 5 को माइनस किया तो कितना आ गया 3 आएगा, ग्रेटर देन साइन आएगा। अब ये डिजिट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड यही तो एपी की है, तो हम इनको कॉमा डाल के यहां लिख देंगे, माइनस 8 कॉमा माइनस 3, बस तीन ही पूछी थी तो इसलिए हमने यही बताई है। क्वेश्चन कंप्लीट,
क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।